आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन ऑल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। अमेरिका ने जो ताइवान के मामले पे स्टेटस को कुछ छेड़ा है, ताइवान में अपनी स्पीकर नैन्सी पेलोसी साहिबा को भेज के, इस इतने बड़े इवेंट के आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। वेनसडे से लेकर ताइवान के चारों तरफ चाइनीज वॉरशिप्स जो हैं ये जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और चाइनीज फाइटर जेट्स अब ताइवान के ऊपर मंडलाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इन चाइनीज एक्सरसाइजेस के दौरान एक बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बात हुई है। इससे रीजन के अंदर अमेरिका के तमाम इत्तेहादी परेशान हैं। पैसिफिक रीजन में और साउथ चाइना सी में जो भी अमेरिकी इत्तेहादी हैं वो इस नई डेवलपमेंट से परेशान हैं। जापान अमेरिका का बड़ा करीब इत्तेहादी है और एंटी चाइना अलाइंसेस में जापान आपको हमेशा आगे आगे नज़र आता है। चाइना ने अपनी ड्रिल्स के दौरान 5 बैलिस्टिक मिज़ाइल जापान की तरफ फायर कर दिए हैं और ये जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुंदर के अंदर गिरे हैं। एक तो बल्कि इनमें से ऐसा मिज़ाइल था जो कि जापान के एक शहर के करीब आके गिरा है समुंदर में। अब ये चीन ने बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा है रीजन में मौजूद तमाम अमेरिकन इत्तेहादियों की जानिब के, स्टे अवे फ्रॉम एंटी चाइना अलाइंसेज। द डिप्लोमेट खबर लगा रहा है कि चाइनाज लाइव फायर ड्रिल्स नियर ताइवान सेंड बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू जापान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। इट्स द फर्स्ट टाइम चाइना हैज फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू जापान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये सब होना शुरू हो चुका है, रीजन में मिसाइल फायर होना शुरू हो चुके हैं। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, चीज़ें तेज़ी के साथ खराबी की तरफ जा रही हैं। जापान का अपना अखबार देख लें आप, द जापान टाइम्स, उनके बड़े अखबारों में से एक, फरमा रहे हैं कि जी जापान सेज 5 चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स लैंडेड इनसाइड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नियर ओकिनावा। अब मैं आपको बताऊं ये ओकिनावा क्या है। ओकिनावा असल में जापान के बहुत सारे जज़ायर हैं, आइलैंड्स हैं जापान के बहुत सारे, उनमें से एक आइलैंड का नाम इनका ओकिनावा है। 1.5 लाख के करीब लोग उस पे रहते हैं उस आइलैंड में। वहाँ पे उस आइलैंड के बिल्कुल पास ये चाइना का मिज़ाइल आके गिरा है, बल्कि चाइना ने जानबूझ के वहाँ पे गिराया है। नाउ जापान ने इस सारे वाक्ये पे चीन को शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया है। जापान ने कहा है कि ये जो ताइवान के आसपास ड्रिल्स कर रहे हैं चाइनीज, ये तो बड़ी गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो सारा नैन्सी पेलोसी की विजिट से पहले भी इवन जापान ने कई ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और चाइना समझ रहा है कि ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में वायलेशन के मुतरादिफ हैं। तो उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है चाइना को कि आपके जो एक्शंस हैं वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन रहे हैं। इस पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ G7 वाली अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना कैंसिल्स जापान मीटिंग ओवर G7 ताइवान स्टेटमेंट। चाइना फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स ऑफ टॉक्स विथ जापान काउंटर पार्ट, टोक्यो हैड ज्वाइंट स्टेटमेंट क्रिटिसाइजिंग ड्रिल्स अराउंड ताइवान। तो उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, चाइनीज ने जापानीज को कहा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप ताइवान के मामले में हमें बता रहे हैं कि हमें ड्रिल्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारा इलाका है, हमारा ताइवान है, हमारी ज़मीन है, हम अपने समुंदर में ड्रिल्स कर रहे हैं, तो आपको क्या सूझी कि आपने हमारे जो है अपने इलाके में ड्रिल्स कर रहे हैं तो उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने जनाब वो कैंसिल कर दिया। उनके जो मिनिस्टर वांग यी साहब हैं चीन के मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ जापानीज फॉरेन मिनिस्टर से। तो नैन्सी पेलोसी साहिबा की ताइवान विजिट के जरिए जो एक शरारत की गई अमरीका की जानब से, वो एक बहुत बड़े थ्रेट की सूरत में तब्दील होती जा रही है। दूसरे मुल्क भी अब इसकी लपेट में आ रहे हैं। चाइना ये जो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है ना, इसमें उन्होंने जापान के जहाज़ों से मिलते जुलते जो जहाज़ इस तरह की जो मॉडल्स हैं ना उन पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है वो। अब ये भी एक अजब सा सिग्नल है, उन जैसे जहाज़ बना के उन पर मिज़ाइल मार रहा है। निकाय एशिया रिपोर्ट कर रहा है कि सेटेलाइट फोटोज शो चाइना डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट सिमिलर टू जापान प्लेन। अब क्या अमेरिका रेस्पॉन्ड करेगा, दिस इज़ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या अमेरिका रेस्पॉन्ड करेगा जापान की प्रोटेक्शन के लिए। जापान के पास यूं समझे कि अपनी आर्मी नहीं है, ना होने के बराबर है, बहुत थोड़े उनके पास लोग हैं, ना होने के बराबर उनके पास फोर्स है। वो अमेरिका की प्रोटेक्शन में आते हैं और अगर अमेरिका आगे आता है ना जापान को बचाने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर विल बी डायरेक्ट US चाइना क्लैश। चीन ने वैसे तमाम कॉन्टेक्ट्स जो हैं, तमाम लिंक्स अपने अब तक वो अमेरिका के साथ
सस्पेंड कर चुका है। इस वक्त किसी किस्म का कोई ऐसा फोरम बाकी नहीं रहा जहां पर चीन और अमेरिका बैठ के टॉक्स कर सकें, बिल्कुल ख़त्म है, सस्पेंडेड है टॉक्स दोनों के दरमियान हर फोरम पे। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि चाइना सस्पेंड्स लिंक्स विथ US मिलिट्री एंड क्लाइमेट टॉक्स ओवर ताइवान। देखें, आपको याद दिला दूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, और यही जापान था और क्वाड की मीटिंग्स वहाँ पर हो रही थी, कर रहा था ना क्वाड की मीटिंग, जिसमें हमारे 56 इंच वाले सज्जन भी गए हुए थे झूलते झूलते इंडिया से जहाज़ में। हालांकि तब जब ये क्वाड की मीटिंग हो रही थी तो रूस और चाइना के जहाज़ों ने उस वक्त भी CF जापान के ऊपर फ्लाइट्स करके इनको समझाने की कोशिश की थी कि इट्स अ बैड आइडिया टू प्रोवोक रशिया एंड चाइना इन ऑर्डर टू सर्व US ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने करके दिखाया था, लेकिन नहीं हुआ, बात नहीं मानी, ना इंडिया ने समझा इस बात को, ना जापान ने समझा, वो उन्होंने कैरी ऑन किया अपना सारा जो एंटी चाइना एंटी रशिया के प्लान्स थे वो करते रहे अमेरिका के कहने पे। एंड नाउ हेयर वी आर, 4-5 हफ्ते के बाद, पहले खाली जेट्स उड़ा के CF जापान के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया, और अब जो है वो मिज़ाइल फेंक के चाइना 5-5 बैलिस्टिक मिज़ाइल फेंक के उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टे आउट ऑफ दिस, और एल्स अगली बार जो है वो ये जो मिज़ाइल है कहीं और भी गिर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन जो है ना मित्रों रीजन के अंदर उरूज पे हैं, ताइवान की तरह जापान भी सहमा बैठा है, और ऐसे में हिंदुत्व के गुंडों को पता नहीं क्या सूझी है कि उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आइए अक्टूबर में आप और हम मिलके ना चीन के बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे। अब ये कोई टाइम था, पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, ये कौन सा टाइम था मिलिट्री ड्रिल्स अनाउंस करने का भाई? अब सवाल ये है, वही जो मैंने शुरू में कहा मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि अमेरिकी नेवी तो वैसे जापान में मौजूद है, वहाँ पर अरबों डॉलर्स जापान अमेरिका को हर साल दे रहा होता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट? जापान को तो अब नज़र आ गया ना कि दे आर डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ फायर इस सारे झमेले में, जिसमें वो खुद भी क्वाड और इंडो पैसिफिक के चक्कर में आगे आगे रहे, तो क्या अब अमेरिका अपनी फ्लीट्स भेजेगा उनके लिए? क्योंकि थ्रेट लेवल अगर पहले 10% था तो अब यूं समझे कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अगर अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है अपनी फोर्सेस भेजता है तो दुनिया कहाँ जाएगी फिर? इट विल बी अमेरिका वर्सेस चाइना डायरेक्टली। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल दुनिया में डेवलप हो रही है इस वक्त। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये जो जापान की तरफ 5 उन्होंने मिज़ाइल मारे हैं ना, ये देखें इंडिया के लिए भी मेरे ख्याल से इसमें सोचने की बात है। इंडिया मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा होगा उधर, इंडिया चाइना बॉर्डर है वहाँ पर अमेरिकन और ये अक्टूबर में ड्रिल्स कर रहे होंगे, तो अगर चाइना ने उस वक्त भी ऐसा ही कोई मैसेज दे दिया तो क्या होगा? पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन हैं दोनों के दरमियान, इंडिया और चाइना के दरमियान, और ये जो टेंशन से कम होने का नाम ही नहीं ले रहे 2 सालों से लेकर। वहाँ पर इनकी 15-16 मीटिंग्स हो चुकी हैं, बड़ी टॉप लेवल की मीटिंग्स हो चुकी हैं इनकी मिलिट्री सतह पर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, टेंशंस जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो रहे, उल्टा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका को वहाँ पर लाकर बिठा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं भाई, क्या देना क्या चाहते हैं मैसेज उनको? आप उनको ये बताना चाहते हैं कि नहीं हम भी इनके साथ हैं? तो जापान जो है वो पहले से ही दूर दूर बैठा हुआ बातें कर रहा था, उनको उन्होंने 5 मिज़ाइल मार के दिखा दिए, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इंडिया के अंदर लोगों को सोचना चाहिए कि किस किस्म की मोदी साहब की पॉलिसीज़ हैं, और बीजेपी क्या कन्फ्रंटेशन चाहते हैं चाइना के साथ, जबकि कैपेबिलिटीज़ है नहीं लड़ने की उनके साथ, अमेरिका के आसरे पर। अमेरिका के आसरे, अमेरिका तो उनसे पैसे ले रहा होता है जापान से, अरबों डॉलर्स ले रहा होता है, और उनकी एक माहदात हुए हैं प्रॉपरली कि भाई आप इंडिया के और उनके हैं क्या? नहीं है। तो फिर क्या इंडिया इटसेल्फ चाइना से लड़ पाएगा? इतना वो अफोर्ड कर सकते हैं जो कुछ भी ये कन्फ्रंटेशन की तरफ लेकर जाना जा रहे हैं सारे के सारे मामलात को इंडिया के अंदर, जो भी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं टॉप के लेवल पर? वैसे तो चलती ज़्यादातर मोदी साहब की ही है, वो ज़्यादा सुनते नहीं है, वो माइंड बनाते हैं पहले, फिर अपना डिसीजन बताते हैं और लोगों को कहते हैं ये मैं करूँगा, इसके बाद जो गंद मचेगा तुम लोग संभाल लेना, इस तरह का उनकी लीडरशिप का स्टाइल है। मेरे ख्याल में दिस इज़ अ बैड आइडिया, और अगर इसको हो सके तो इंडिया को पोस्टपोन कर देनी चाहिए ये वाली मिलिट्री ड्रिल्स। इस वक्त कोई ऐसा काम इंडिया को नहीं करना चाहिए जिससे इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशन जो हैं ये मज़ीद बढ़ें, क्योंकि उत्तराखंड जो है ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये करीब करीब है उसके। मेरे ख्याल से इसको पोस्टपोन कर दें इंडिया, ये फिजिबल नहीं है इस टाइम पे इस तरह की हरकतें करना वहाँ पे।